कल के चुनावी रिजल्ट को देखकर सब लोग चकित हो गए हैं और कई लोग ये बोल रहे हैं कि मशीन में प्रॉब्लम है। मशीन में प्रॉब्लम नहीं है जी, करनी का फल है ये। तो ये जो करनी का फल है ना, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता बोलते ना, वैसी आवाज़ नहीं आया और सरकार बदल गई। तो छत्तीसगढ़ के जितना नेता है ध्यान से सुन लो, ये जो पीएससी और व्यापम की जो तैयारी करते हैं छत्तीसगढ़ में, वो मिनिमम न्यूनतम बच्चे 10 लाख लोग हैं। अब ये 10 लाख बच्चों को अगर यदि मैं 90 विधानसभा से अगर यदि भाग दूं, तो एक विधानसभा में 10 से 11 हज़ार लगभग स्टूडेंट व्यापम पीएससी की तैयारी करते हैं। और ये लोग वो बच्चे हैं जो कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, कोई 15 घंटा पढ़ता है, और ये 1-2 दिन नहीं पढ़ते, ये लोग 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं। पूर्व सरकार को 5 साल में 2 साल कोरोना का रोना रोया, 2 साल आरक्षण का रोना रोया, 76% आरक्षण दूंगा बोला, अंत में 58 में आ गए। और आखिरी में आपने वैकेंसी निकाल के पता चला कि नौकरियों पे बोली लगा रहे हो आप, 70 लाख 80 लाख 90 लाख ये पीएससी में जाहिर हुआ। तो जब तुम किसी युवा को 10 लाख आबादी को प्रति विधानसभा में 10 से 11 हज़ार मतदाता के दिलों को चोट पहुंचाओगे आप, तो ऐसे ही चमकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। 6 महीने के एसआई भर्ती को आज 6 साल हो गई, आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाए। तो ये जो युवा लोग हैं, ये आपको कैसे बोल दिए कि आप सपोर्ट देंगे करके? पूरा किसान आपका था, सरकार कहाँ गई आपकी? तो ये किसान ना मेरे माँ बाप है, उन्होंने आपको वोट दिया, लेकिन हम लोग 5-6 भाई बहन हैं, व्यापम और पीएससी की तैयारी करते हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया। इसका ये आपका नतीजा भुगत रहे हो और देखोगे। और ध्यान रखना, जीवन में कभी अगर आप सत्ता में आते हैं तो व्यापम और पीएससी के स्टूडेंट के लाइफ से खेलना मत कभी। और जो नया मुख्यमंत्री आना है वो भी सुन लो, अगर यदि आप सरकार में आए और किसान किसान चिल्लाए ना, तो किसान लोग में माहौल हम जैसे पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। और आप भी ऐसी करोगे तो ऐसे ही चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले 5 साल में मिलेगा। तो जितने व्यापम पीएससी के स्टूडेंट हैं, मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ को पहुंचा दो वहाँ तक, ताकि कोई भी अधिकारी या कोई भी अगर यदि पद में आए तो सबसे पहले व्यापम और पीएससी के जवान युवा लोगों को नज़र में रख रखे, तब जाके भर्ती प्रक्रिया में सही आए। 3-3 महीने के व्यापम भर्ती को 4-4, 5-5 साल से लटकाते हो, भरे जवानी में ये तैयारी करते हैं और उनके भविष्य से खेलोगे तो ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। बाद में मत बोलना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रॉब्लम है करके, प्रॉब्लम तुम्हारी सरकार चलाने में है कि जिसको देखना चाहिए उसको देखते नहीं हो, और जो अनपढ़ गंवा रहे हैं उनको अपने तरफ खींचने के लिए दुनिया भर का लालीपॉप देते हो। तो वो गए जमाना हो सर कि जब बोल देते थे बैल हाँक दो तो पीछे चले जाएँ सब लोग, अब वो नहीं जाने वाले हैं, अब सब समझदार हो गए हैं। सुन लो पिछला सरकार वाले, हमने वोट नहीं दिया आपको, इसलिए रिजल्ट आया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बैठे थे, आप लोग भी बैठे थे उसमें, क्या कर रहे थे? नहीं चेक कर सकते थे उसको, मशीन को? करनी का फल मिला तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब है और हम लोग के भविष्य खराब होता है तो आज के ज़माने में तो चलते रहता है, नहीं चलेगा ऐसा, हर 5 साल में सरकार बदल जाएगी, व्यापम पीएससी से नज़रअंदाज करेंगे। और युवा लोग पहुँचा दूँ वहाँ मुख्यमंत्री तक, कोई बोल रहा है ऐसा करके, दोबारा ध्यान में रखें।